नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए स्पेशल में हिंदी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम आपको गद खंड और पद खंड दोनों खंड का आपको इम्पोर्टेंट और गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर याद कर लोगे तो 30 प्रश्न इसमें से आपके एग्जाम में रहेगा, क्योंकि ये सारे आपके चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से बाबू याद करना, ये वीडियो मिस मत करना, अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर ले। ठीक है बाबू, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बाबू। ठीक है, एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलना। ठीक है, जैसा कि बाबू यहाँ पर आप लोगों का पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। दो क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया है, कब और कहाँ हुई। तो आप लोग बताना बाबू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मृत्यु हुई थी वो सन 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो जब पूछेगा इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म तो सबको लगभग पता ही होगा कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो आंसर हमारा डी नंबर बाबू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबू, डी नंबर वाला मिल जाएगा। अगला प्रश्न है बाबू आप लोगों का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो वहाँ पर मृत्यु पूछा था कहाँ हुआ था, तो हम लोग बता रहे थे दिल्ली में 1956 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पर जन्म पूछा है कहाँ हुआ था, कब हुआ था नहीं बल्कि कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में, याद रखना बाबू। ठीक है, और जो लोग बाबू टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे कि मैं हफ्ते में 3 बार टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, और उसका रिजल्ट मैं अपने लाइव क्लास के डिजिटल बोर्ड पर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, बहुत ही मज़ा आता है टेस्ट देने में। ठीक है, देखो बाबू अगला प्रश्न आता है कि मदन किसका पुत्र था, मदन जो था वो किसका पुत्र था। तो बाबू याद रखना, मदन गिरधर लाल का पुत्र था और गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे। ठीक है, तो हम लोग आंसर ठीक लगाएंगे बी नंबर पर, मदन गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है। ये जो 20 के दांत है जिसमें मदन, कासु, खोखा, सेन साहब, उसकी पुत्रिया, गिरधरलाल के बारे में चर्चा किया है, ये दोस्तों 20 के दांत एक प्रकार का कहानी है। क्या होगा जी, कहानी है। तो कहानी आप लोग याद रखना, वो क्या है, तो कहानी है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ। 14 फरवरी 1915, 18 फरवरी 1916, तो 1916 में हुआ था बाबू। ठीक है, कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था, अच्छे से याद रखना ना। ठीक है, 14। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो जो पाठ है आप लोगों का कि भारत से हम क्या सीखे, वो दोस्तों मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है, और मैक्स मुलर जी जर्मनी के रहने वाले हैं, और वो जो लिखे हैं भारत से हम क्या सीखे, वो एक प्रकार का भाषण है जिसको हम लोग इंग्लिश में लेक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं कि लेक्चर कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था, और ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम है कालिदास। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखो बाबू, 9-2-11 का मतलब होता है कि कहीं भाग जाना, यानी कि भाग जाना, जैसे घर छोड़ देना, अचानक से घर छोड़ देना, यानी कि भाग जाना। तो 9-2-11 का मतलब क्या हुआ, भाग जाना। ठीक है, जैसे नहीं बोलते हैं कि कोई लड़का कोई लड़की को लेकर भाग गया, तो ऐसे गांव में अफवाह फैल जाती है कि उस फलनवा की लड़की भाग गई। तो भाग जाना का मतलब क्या होता है जी, 9-2-11। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोग का आता है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो माँ की मार के डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा बाबू। ठीक है, कहाँ पर, तो जंगलों में छिपा रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू आपका कि लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले। हंडिया समझते हो, जैसे छोटे बच्चे को डेली पैसा दिया जाता है तो एक हुड़की रख लेता है, उसमें अपना पैसा 1 रुपया 2 रुपया जो भी होता है वो डालकर मतलब कि जमा करता है, और जब काम आता है तो हंडिया फूड़ लेता है, तो आप लोग हुड़की कहते हो ना, तो यहाँ पर उसको हुंडी कहा जाता है। ठीक है, तो हुंडी से मात्र 2 ही रुपया निकाला था, 2 रुपया निकाल कर वो भागा था, यानी कि घर छोड़ा था। ठीक है,
चलो अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि बहादुर तुमको, अगला प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। यानी कि जो दोस्तों कहानीकार की पत्नी होती है जिसका नाम होता है निर्मला, निर्मला ही बहादुर से पूछती है कि बहादुर क्या तुम्हारी माँ की तुमको याद नहीं आती है। यह बात किसने पूछा था? निर्मला जी ने पूछे थे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है मेरे शेर, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। यह क्वेश्चन कहता है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ये जो बहादुर था ना वो निर्मला को, निर्मला कौन थी तो लेखक की पत्नी थी, लेखक की पत्नी को अपनी माँ के रूप में देखता था, यानी कि माँ के रूप में देखता था। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर वाला बच्चों, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। जहाँ प्रतिष्ठा ही नहीं वहाँ क्या रहना, इस बात, यह बात किसने सोचा था, किसके मन में उत्पन्न हुआ था? तो बहादुर के, किसके, तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ, क्योंकि बहादुर जहाँ पर वो अच्छे से और पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी करता था, यानी कि नौकर का काम करता था, वहाँ कुछ गलतफहमी की वजह से बहादुर को मारा गया, डांटा गया, मतलब गालियाँ पड़ी, सब कुछ पड़ी, ठीक है। तो उसने सोचा कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यहाँ से भी चला जाए, तो वहाँ से भी वो चला गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है बाबू कि लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, यानी कि बहादुर लेखक के घर से अचानक से क्यों चला गया था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में, घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। यानी कि दोस्तों उसके घर में जो व्यवहार का परिवर्तन हो गया था जिसके कारण बहादुर लेखक का भी घर छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा क्योंकि गलत फहमी की वजह से घर के सारे लोग बदल गए थे और सारे लोग मार रहे थे, डांट रहे थे। एक्चुअली में मारा तो सिर्फ उसका लड़का किशोरी, लेकिन दोस्तों डांटे सबने, लेकिन मारा किशोर, मारना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका कि बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो मतलब कि गलत फहमी क्या हुआ था, रिश्तेदारों के द्वारा इन पर चोरी का आरोप लगा था, ठीक है। और क्या, तो रुपये चुराने का, और कितने, तो 11 रुपये चुराने का चोरी का आरोप लगा था बहादुर के ऊपर, ठीक है। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो बहादुर की माँ के पास, तो यहाँ पर आंसर में दिया केवल माँ, तो माँ के पास लिखेंगे, बहन नानी चाची ये थोड़ी ना होगा, माँ के पास भैंस भागी भागी चली आई। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। देखो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया, तो वो एक सच्चा देशभक्त था, तो जब उसका बाप देशभक्त है तो बेटा क्यों नहीं होगा, तो बेटा भी तो समझदार था और अच्छा था ना, तो युद्ध में मारा गया था बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो देखो रिश्तेदार के पत्नी के रुपए कितने खोए थे, 11 रुपये खोए थे। तो पता नहीं कहाँ खोए थे कहाँ नहीं खोए थे, तो फिर बहादुर के ऊपर क्यों तूने आरोप लगाया, और तेरी आरोप की वजह से बहादुर लेखक के घर भी छोड़ दिया, उसको बहुत परेशानियाँ हुई, छोटा बच्चा था, आप लोगों ने क्यों ऐसा किया, ठीक है। ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है, पढ़ लेना बाबू बहादुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। देखो रुपये खोने का प्रपंच उसके रिश्तेदारों ने रचा था, कहानीकार के रिश्तेदारों ने। देखो आंसर सी नंबर में दिया दिया ना बाबू, बोलो हाँ या ना। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भागा था, ये नहीं कि वो गरीब था या फिर कोई और वजह था, माँ ने उसको मारी थी इसलिए बहादुर घर छोड़कर भागा था। अगला प्रश्न आप लोगों का आता है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी। देखो बाबू निर्मला अपनी आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी थी। कोई भी औरत रोती है तो अपनी आंखों पर अपना आंचल रख लेती है और फिर रोती है, आंसू पोंछती है फिर रोती है, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हो। अगला प्रश्न आप लोगों का है बाबू कि बहादुर जिसका पूरा नाम था दिल बहादुर, यानी कि दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो वो नेपाल के रहने वाला था, वो एक नेपाली लड़का था बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई। बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे ना, तो उनकी पिता की मृत्यु हो गई, किसकी, तो बिरजू महाराज के जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई 9.5 साल, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 9.5 साल, तो आप 9+1/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो 9 × 2 = 18, 19/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये पूर्णांक में लिखा गया, इसका भी मतलब हुआ क्या, तो 9 × 2 = 18, 19/2, ठीक है।
तो आंसर हम लोग बी नंबर पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का आता है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? तब उनकी उम्र थी 27 वर्ष। कितना था? तो 27 वर्ष उस समय उनकी उम्र थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 27 वर्ष आंसर आपका ए नंबर वाला होगा। अगला प्रश्न है बाबू आपका कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 27 साल के उम्र में प्राप्त हुआ और उनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। तो जब 1938 ईस्वी में जन्म हुआ था और यहाँ पर 27 साल के उम्र में उनको मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, तो जोड़ दो कितना हो गया? 8, 7, 15 और 5 हो गया बाबू, और 3, 2, 5, 1, 6 और ये 19, तो 1965 देख लो ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर में है, तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ यानी कि 27 साल के उम्र में। ठीक है, तो जन्म हुआ था 38 में, आगे मिलेगा कि जन्म कब हुआ तो वो भी बता देंगे। ठीक है, तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बाबू याद है ना, बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, इसलिए हम बोलते हैं कि बिरजू महाराज के जो संबंध है वो लखनऊ घराने से है। और उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था, याद रखना 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ ही गया, मैं जो बता रहा था वो क्वेश्चन आ ही गया कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1938 ईस्वी में। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। तो याद रखना, बिरजू महाराज के जो चाचा का नाम था वो शंभू महाराज था। बिरजू महाराज के जो चाचा थे यानी कि जिसको अंकल आप लोग बोलते हो, ठीक है, तो वो क्या थे? तो शंभू महाराज थे। चलो अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के अंकल थे, चाचा थे। तो आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर सी नंबर पर, चाचा थे। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि गांधी जी अफ्रीका से लौट कर कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौट कर वापस आए थे। गांधी जी अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आप लोगों का है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो यह महात्मा गांधी जी की है बाबू, आंसर होगा डी नंबर वाला। ठीक है, चलो बाबू अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार भी है महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, तो बाबू याद रखना गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा सहायक होती है वो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। ठीक है, ये बाबू आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे मित्र अगला क्वेश्चन करते हैं कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा पता है क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। क्या है बाबू? अहिंसक प्रतिरोध, आंसर होगा ए नंबर वाला, अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, चलो मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 36 नंबर का आ रहा है ना कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं चरित्र निर्माण को। किसको? तो चरित्र निर्माण को मानते हैं बच्चा, चरित्र निर्माण को, आंसर होगा सी नंबर वाला। अगला बच्चा क्वेश्चन है आप लोगों का कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो ये तो बताने वाली कोई चीज़ नहीं है बाबू कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है बाबू, चलो अगला प्रश्न आप लोगों का है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो याद करना महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था मेरे प्यारे बाबू। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। अब गुजरात में कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान है वहाँ पर हुआ था। तो आगे कहीं पूछा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग समझ लेना। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो देखो उनका जो प्रस्ताव था वो 1893 से 1914 तक था, यानी कि 1893 से 1914 तक वो रहे और 15 में चले आए वापस। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि गांधी जी का निधन कब हुआ था? तो गांधी जी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। और गांधी जी को किसने गोली मारा था पीछे से, उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि गांधी जी बूढ़े होकर मरे नहीं थे बल्कि उनको मारा गया था, और बूढ़े थे लेकिन उनको मारा गया था, अपने मन से नहीं मरे। तो किस व्यक्ति ने मारा था उनका नाम आप लोग डिस्क्रिप्शन कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था, और जो 30 जनवरी था उस दिन वो रविवार का दिन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है?
ठीक है। तो हृदय की शिक्षा क्या है बाबू, हृदय की शिक्षा आंसर होगा डी नंबर वाला, हृदय की शिक्षा, ठीक है। चलो अगला आप लोगों का प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी दिया है, देखो बिल्कुल दिया है करमचंद गांधी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न बाबू है आपका कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहते रहे। तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी के अलावा और कोई नहीं सोचता था, ठीक है, महात्मा गांधी जी ही सोचते थे, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है। चलो बाबू बस इतना ही प्रश्न था, ठीक है। तो इतना प्रश्न काफ़ी है, आप यहाँ पर अगर याद करेंगे अच्छे से तो 25 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छे से याद करें, देखो अपने मतलब कि ये मत समझना कि सर बता रहे हैं कि नहीं पूछेगा कि पूछेगा कि क्या है, तो आप लोग यकीन नहीं होगा तो क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख लेना कि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। देखो मेरा गेस किया गया क्वेश्चन कभी बाउ नहीं जाता है, और मैं इसलिए ज़्यादातर अभी आपको ऑब्जेक्टिव पर फोकस करा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कि महत्व है, ऑब्जेक्टिव से आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्टिव गलती से भी पेंड कर दिया तो आपका नंबर कट जाएगा, और आपको पता है लेकिन आप अगर पेंड दूसरा कर दिए या फिर थोड़ा सा भी पेंड करने में गड़बड़ी कर दिए तो आपको एक नंबर कट जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर समझदारी से अच्छे से आंसर टिक लगाना, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का मैं एकदम धुरंधर बना दूंगा, सब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी डिजिटल बोर्ड तो आ ही गया है ना, डिजिटल बोर्ड पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे याद करेंगे, डिजिटल बोर्ड पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा आप हमसे पूछिएगा। अब दोस्तों आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है।